इन अब आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का तो टाइम है नहीं तो आप जो नोट्स बना रहे हो वो असली में आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा अभी जो आपको मैंने नोट्स बनाने बोला है वो आपको तीन पार्ट में बनाना है एक तो आपको नोट्स कॉपी बनाना है एक क्वेश्चन कॉपी बनाना है एक रिएक्शन कॉपी है हे दिस इज फर्स्ट ऑफ एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जैसा कि मैंने अपनी फिजिक्स की पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम हमें क्या क्या चैप्टर्स करने हैं मिनिमम कि हम वन मार्क्स तक इजिली पहुंच पाए जो कि हमारे सिलेक्शन को गारंटी कर सकता है इन चार महीने में सिमिलर चीज हम लोग केमिस्ट्री के लिए करने वाले थे और आज वो वीडियो आ चुकी है जहां पर हम लोग ये बात करेंगे केमिस्ट्री में आपको क्या क्या कर लेने हैं एटलीस्ट इन बचे हुए चार महीने में ताकि आप वन मार्क्स तक पहुंच सको क्या क्या आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं इन चैप्टर्स के लिए और क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ठीके? अब नीट ट्वेंटी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए जैसा की प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से देख के मैं बता सकता हूं आपको कि 608 मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ गई है आपके जनरल कैटेगरी के कर लिए ऑल इंडिया कोटा से तो मतलब मिनिमम आपको 610 मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर इजी पेपर आ जाता है या फिर सेम पेपर रहता है तो भी क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है तो जनरल कैटेगरी के लिए एक सिक्स

उिटीट मार्क्स अगर ले आते हो बायोलॉजी में तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और बायोलॉजी में थ्री फोर्टी मार्क्स लाना है। बिल्कुल ईजी है सिर्फ आपको इन अभी जो आपको मैंने यहां नोट्स बनाने बोला है वो आपको तीन पार्ट में बनाना है एक तो आपको नोट्स कॉपी बनाना है एक क्वेश्चन कॉपी बनाना है एक रिएक्शन कॉपी बनाना है मेरे को जो बोलना होगा जैसे अगर आप देखोगे इसलिए मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में कम मार्क्स बताए मैं चाहता तो यहाँ पे वन सिक्सटी लिख देता लेकिन अगर आप बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट हो तो आप अब उस वन सिक्सटी मार्क्स तक नहीं पहुंच सकते हो लेकिन बायोलॉजी में आप अभी भी थ्री मार्क्स तक पहुंच सकते हो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्री फोर्टी लिखा है सिलेक्श नहीं पहुंचने के लिए केमिस्ट्री में वन और फिजिक्स में वन अब फिजिक्स में कैसे वन लाना है इसके तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया एकदम डिटेल

कि आप 150 मार्क्स तक पहुंच जाओ अब देखो मैंने अगर आपको ध्यान हो फिजिक्स में मैंने बस 14 चैप्टर से आपको 120 मार्क्स दिला दिया था क्योंकि वन ट्वेंटी मार्क्स पॉसिबल है फोर्टीन चैप्टर्स आधा सिलेबस करके लेकिन केमिस्ट्री में आप वन फिफ्टी मार्क्स टारगेट कर रहे करें वन फिफ्टी मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में तो इसके लिए आप इतने कम चैप्टर्स करके तो नहीं कर पाओगे तो पहली चीज अगर आपको नहीं दिखे तो उस पर ये मतलब कि ये वीडियो क्या है भैया तो सारे चैप्टर लिख दिए सारे चैप्टर्स नहीं लिखे अगर आप ध्यान से देखोगे ठीक है तो अब क्या किया है मैंने केमिस्ट्री को फिजिकल इनऑर्गैनिक ऑर्गेनिक में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को मैंने मस्ट डू और मे डू में बांट दिया अब फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर है जो आपको करने ही करने हैं पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट और सोल्यून अब ये चैप्टर मैंने साथ में क्यों दिया भैया तो दो चैप्टर आपने साथ में लिख अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो मोल कंसेप्ट है अगर आपके उसके कंसेप्ट आते हैं तो सोल्यूशन भी एकदम उसी है है तो कोई अलग चैप्टर नहीं है, बस मोल प्लस प्रॉपर्टी आप उसको देख सकते हो सोल्यूशन को एक नया तरीके से तो अगर आपका मोल मोल्ट है या फिर आपका सोल्यूशन स्ट्रॉंग है तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि आपका मोल मोल्ट भी आपको आता है दूसरा चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट ठीक है ये भी एक इजी चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत हाई एल्डिंग चैप्टर है ये हार्ड है थोड़ा कंसेप्चुअल कंसेप्चल को आपको करोगे तो बहुत आपको मजा आएगा और एक बार आपने कर लिया तो ये बहुत हाई एल्डिंग चैप्टर में आता है केमिकल केमिकलटिक्स उतना हार्ड नहीं जितना आपको दिखता है बहुत आसान चैप्टर है इसके पी -वाई आप करके देखना एक बार बेसिक हर एक आ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल इसमें केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्चुअल चैप्टर बहुत हाई एर्डिंग चैप्टर है ठीक है इतना हाई एर्डिंग है जिसकी मैं अभी जो आपको मैंने ये नोट्स बनाने बोला है वो आपको तीन पार्ट में बनाना है एक तो आपको नोट्स कॉपी बनाना है एक क्वेश्चन कॉपी बनाना है एक रिएक्शन कॉपी बनाना फिर रिएक्शन ठीक है अब ये तो चैप्टर्स मैंने दिख दिए उसके बाद मैंने ये हाईलाइट किया ये ये तो आपको पता है है मैंने हाईलाइट हाईलाइट क्यों किया हुआ का मतलब है कि ये चैप्टर्स इजी चैप्टर्स में आते हैं या फिर मोस्टली बच्चों ने किया हुआ होता है तो मोल सॉलिड स्टेट मोलिटेड क्लासिंग इक्वेशन और रिडॉक्स आपके इजी चैप्टर्स हो गए तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कैनेडिक्स केमिकल बॉन्डिंग अगर इन केस किसी दिन छोड़ दिया हो वैसे तो मोस्टली ये कर लेते हैं बच्चे केमिकल बॉन्डिंग को ठीक है और कॉर्डिनेशन कंपाउंड अगर इस पर आप अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका फिजिकल का जो है मोस्टली पार्ट खत्म हो जाएगा और इससे आप सेवेंटीन क्वेश्चन फैच कर सकते हो अपने एग्जाम में राइट तो कितना हाई यल्डिंग हो जाएगा अगर ये कर पाते हो और ये कंसेप्चुअल चीज़ है तो इसको आप बार बार भूलोगे नहीं है एक बार आपने कर लिया अच्छे से उसके बाद आपको बस फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और आपको टेस्ट देते रहना है पी वाई क्यूज रिवाइज़ करते रहना है बस आपको इतना करना होता है इसमें तो ये चैप्टर्स आपके हो गए फिजिकल में ठीक है इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखे हैं जो कि मेडू में है थर्मोडाने हटा मिल, था दिया था, अगर केस किसी का लॉन्ग चैप्टर है वैसे तो सरफेस केमिस्ट्री एक आसान चैप्टर है लेकिन लंबा है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है कि अगर आपको लग रहा है कि इतना इन्वेस्ट करना वहां पर सही नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते और यहां पर आपके छह क्वेश्चन अलग हो जाएंगे और इन केस अगर इसमें से किसी ने कुछ कर रखा है तो वो उसको ऐड कर सकता है वहाँ पे ठीक है तो ये क्या है इस चैप्टर को मैंने अलग इसलिए रखा है कि इससे क्वेश्चन तो आते हैं देख लो पांच क्वेश्चन आए हैं इसको मिला के छह क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा ठीक है और टाइम की अगर आपके पास कमी है तो आप कम से कम इतना तो कर ही लो फिजिकल में राइट उसके बाद आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक में अब इन इनऑर्गेनिक में मस्ट डू चैप्टर्स कौन से हैं देखो हाइड्रोजन है एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है इलेवन ट्वेल्थ मिला के दोनों ठीक है मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं टोटल अब हाइड्रोजन जो है वो मोस्टली बच्चे खड़ी कर, ले, कर लेते हैं आसान है मैंने भी हिस्ट्रिक एंड ऑर्गेनिक सीरीज कंप्लीट कर दिया उसकी एस ब्लॉक भी कर लेते हैं मोस्टली आसान है वो भी उसकी भी मैंने सीरीज कंप्लीट कर दी तो अगर आप देख लेते हो एक बार पढ़ लेते हो और उसको देख लेते हो सीरीज को तो आपकी ये तो एकदम खत्म हो जाएगी बच्ची पी ब्लॉक वो चालू है अभी हिस्सिक एंड ऑर्गेनिक सीरीज और ये भी आ, कुछ नहीं जो मैं बता रहा हूं आपको बस उतना याद करते रहने आपका हो जाएगा आराम से इसमें कोई चीज नहीं और कितने क्वेश्चन आते हैं आपके सात क्वेश्चन आते हैं बचे चैप्टर्स हाँ ये एक चीज़, एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने कुछ भी चैप्टर्स कहीं भी डाल दिए ठीक है तो फिजिकल में कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक में कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं राइट ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं फिजिकल को एक कंसेप्चुअल पार्ट देखता हूँ और मुझे जो भी कंसेप्चुअल चैप्टर लगता है वो मैंने फिजिकल में रखा हुआ है इनऑर्गेनिक में मैंने सारे रटने वाले चैप्टर्स रख दिए तो इस पार्ट में आपको पॉलीमर दिख रहा होगा जो जो कि ऑर्गेनिक का पार्ट है बायोमालिक्यूल एवरी लाइफ एवयरमेंटलिस्ट्री और मेटेलॉजी इन हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं आपके तो टोटल पांच क्वेश्चन हो गए तो अगर आप ये वाला पार्ट कर लेते हो तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए आपके टोटल बारह क्वेश्चन हो गए ठीक है इसमें आपको करना कुछ नहीं है एक बार आपने एनसीआरटी देख लिया उसके बाद आपको उसको बार बार रिवाइज करते रहना तो अगर इतना कर ले तो आपकी इनऑर्गेनिक खत्म हो गई उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक में मस्ट चैप्टर्स कौन से हैं जीओसी हाइड्रोकार्बन पांच क्वेश्चन अकेले देखे जाती है आपको कंसेप्चुअल चैप्टर है टाइम लगता है लेकिन बहुत हाई एल्डिंग और ये अगर आप बिना किए ट्वेल्थ में जाते हो तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी इसलिए मैं ऑर्गेनिक में आपको बीत से कोई चैप्टर नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देखोगे मैं बीत बीच से चैप्टर आपको दे दिया है लेकिन ऑर्गेनिक में आपको करना है तो लाइन से करना होगा इलेवंथ किया पहले फिर ट्वेल्थ के इनिशियल दो चैप्टर्स कर लिए बाद के छोड़ दिए लेकिन बीत से कोई चैप्टर करोगे तो आपको फिर उसमें दिक्कत आने लगी तो जियोसी हाइड्रोकार्बन उसके बाद हेलो एल्किन हेलोहिन एल्कोहल फिनोदी सब इतना तो आपको कर ही लेना ऑर्गेनिक उसके बाद मे चैप्टर्स में कौन से हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमआइ ठीक है

मतलब ये पूरी ऑर्गेनिक जो मैंने जो कि मैंने मेडू में रखा है उसको भी लेके ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट गंप्री कर लेना जिनका स्ट्रॉंग है और यहाँ से क्योंकि ये दो चैप्टर्स एड कर रहे हो तो पांच से छह क्वेश्चन आपके एड हो रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ चैप्टर्स हटा सकते हो समझ लो जिनका फिजिकल वीक है जिनको यहाँ से हार्ड चैप्टर्स लग रहे हो ये तो मैंने पहले ही हटाया हुआ है और आप यहाँ से भी कुछ चैप्टर्स हटा सकते हो अगर आप ऑर्गेनिक को कम्प्लीट कर रहे हो लेकिन अगर आप फिजिकल को कम्पलीट कर रहे हो तो आप यहाँ से ऑर्गेनिक से कुछ चैप्टर हटा देना समझ लो ये आप कर सकते हो तो ये इसलिए मैंने इतना डिविजन करके रखा है ताकि आप ये चीज कर पाओ अपने हिसाब से दूसरी चीज आप देखोगे कि मैंने इनऑर्गेनिक में डीएनए ब्लॉक को अलग रखा है क्योंकि

होंगे कैसे तो देखो मैंने हाईलाइट किया वो बहुत ईजी चैप्टर है बहुत जल्दी हो जो मैंने नहीं किया, वहीं पर आपको मेन टाइम लगने वाला है ठीक है या फिर वो थोड़े, आ, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जहां रिविजन ज्यादा लगता है वो चैप्ट है, है ये चीज अपने माइंड में डालो ताकि आप मेंटली थोड़ा पॉजिटिव रह पाओ कि हाँ ये ईजिल कर पाओगे ठीक है ये मैं करता था ये तो मैंने किए हुए मेरे को बस ये एक दो तीन चार चैप्टर फिजिकल में एक दो तीन तीन चैप्टर ऑर्गेनिक करने ठीक है और बाकी चैप्टर्स मेरे को बस रिवाइज करें तो ये चीज़ सोचोगे ना तो फिर काफी पॉजिटिवली तुम प्रोसीड कर पाओगे ठीक है तो अब चलते हैं आगे रिसोर्स का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपने बता तो दी ये चैप्टर्स करने हैं अब हर एक पार्ट वाइज बताओ कि फिजिकल को कैसे से अप्रोच करना है इनऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है इस बच्चे टाइम में मिनिमम हम लोग क्या क्या कर लें कि फिफ्टी मार्क्स तक तो आ ही जाए सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे पहले अगर देखो सबको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो की तरह एनसीआर से हंड्रेड आती है और हंड्रेड आती है इसमें कोई भी शक की बात नहीं है ठीक है इस साल भी आई थी जब से एन पेपर ले दी तब से आ रही है पहले भी आती थी कुछ क्वेश्चन बाहर से आते थे पहले लेकिन अब वो भी नहीं आते अब सबसे पहले आपको एनसीआर से करना है लेकिन आपको एनसीआर की हर एक लाइन समझी हुई होनी चाहिए मतलब कि उसमें क्या बता रहा है वो पता होना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा NCRT को समझना होगा किससे समझोगे तो इसके लिए आपके, लिए आपके पास दो ऑप्शन है पहले तो अगर आपका बहुत कुछ बचा हुआ है तो मैं पर्सनली यहाँ पे डिटेल लेक्चर देखना सजेस्ट नहीं करूंगा मैं बोलूंगा वन शॉट देखो क्योंकि फाइनली आपको रिवाइज करना है में अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हो कहीं से तो आप अभी वन शॉर्ट करके भी काम चला सकते हो अगर जो जो मैंने आगे बताया अगर आपको फॉलो कर लेते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है दो प्ले ओजोन क्लास

में दिक्कत आती थी वो मेमोनेट की हेल्प ले सकते हैं जहाँ एनसीआरटी की हर एक लाइन से डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्वेश्चन बनाए हुए हैं मेमोनेट में आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में तो क्वेश्चन मिलेंगे ही साथ ही साथ जंबल वर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन एसोशियन रीजन टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे यहाँ आपको फ्लैश कार्ड के फॉर्म में भी क्वेश्चन मिलेंगे जो की आपकी रिविजन की जर्नी को काफी स्मूथ बनाएगी इसमें एक फॉर्मुला सेक्शन भी प्रेजेंट है जो की आपके फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुला को याद करने में बहुत हेल्प करेगा ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को भी याद करने के लिए इसमें अलग से सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अब मेमोनिट में आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो और साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो ऑल्सो आपको पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको वो चीज मेमोनीट पे ही मिल जाएगी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि अब मेमोनिट एप हिंदी में भी आप यूज कर सकते हो लैंग्वेज को चेंज करके जो की आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपने प्रिपरेशन में तो जाओ जाके मेमोनिट ऐप यूज करो और अपने रिव्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो कि बहुत बच्चों में डाउट है ठीक है तब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आप आपको सबसे पहले एनसीआर से ही आता है मोस्ट सारे क्वेश्चन लेकिन एनसीआर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा जैसे कि फिजिक्स एन सीआर है वैसे ही ऑर्गेनिक एन सीआर है बहुत छोटे में वहाँ पर बहुत कुछ लिख के चले गए हैं जो कि समझना बहुत आसान बहुत हार्ड है ठीक है तो इसलिए आपको एक टीचर चाहिए जिसने एनसीआर को तो ऑलमोस्ट कवर करवाया हो तो नीतीश देवानी सर के तो जैसा कि मैं हर बार तो जैसा कि मैं सब बच्चों को बताता हूँ कि नितेश देवानी सर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ओजोन क्लासेस पे जो कि मैंने पर्सनली देखा था इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का नाम है ठीक है वहाँ पे सारे कंसेप्ट उन्होंने बताया है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है जो कि मैं बताऊंगा उसका क्या करना है आपको आगे ठीक है तो ये चीज़ आपको वहाँ से देख लेनी है ताकि आप कम से कम ऑर्गेनिक के जो कंसेप्ट है वो समझ जाओ और वही प्ले लिस्ट मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि बाकी टीचर जो भी डिटेल करवाते हैं वो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा करवा देते हैं ठीक है पंकज सर भी हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा लिखवा देते हैं तो इसलिए मैं उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ अभी ठीक है अनटिल एन अनलेस आप इलेवन ट्वेल्थ में हो आपके पास टाइम है काफ़ी ज़्यादा पढ़ने का तो पढ़ सकते हो लेकिन जो अभी बस चार महीने में इनका एग्जाम आने वाला है तो वो और उसने कुछ नहीं किया है तो वो इस नितेश देवानी सर की प्ले को फॉलो कर सकता है फोर्टी या 41 वन लेक्चर है उसमें और इजीली कवर हो जाएगा ठीक है मैंने पर्सनली उससे किया उसके बाद जो भी आपने लेक्चर देखा उसके आपको नोट्स बनाने इनऑर्गेनिक में मैंने नोट्स बनाने के लिए आपको नहीं बोला था क्योंकि आप वहाँ पे एन कवर कर रहे थे यहाँ पर आपको नोट्स बनाने अभी जो आपको मैंने ये नोट्स बनाने बोला है वो आपको तीन पार्ट में बनाना है एक तो आपको नोट्स कॉपी बनाना है एक क्वेश्चन कॉपी बनाना है एक रिएक्शन कॉपी बनाना है अब ये तीनों क्या है मैं बताता बताऊँ फटाफट और क्या क्या यूज़ है नोट्स कॉपी में आपको क्या करना है जब भी आप किसी लेक्चर को जो भी सर के लेक्चर को देख रहे हो तो सर ने जैसे बताया ये रिएक्शन है इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस ये, ये कंपाउंड उसको दिखाते हैं ये कंपाउंड उसको नहीं दिखाते हैं तो ये इस रिएक्शन को ये भी बोला जाता है ये सब चीज़ आप नोट्स कॉपी में लिखते जाओगे ठीक है हर रिएक्शन के सर कुछ कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे उन क्वेश्चन को आपको अलग कॉपी में लिखते जाना है ऐसा इसलिए करना है कि एक तो वो आपका क्वेश्चन कॉपी बन गया और जो आपके नोट्स बनेंगे फिर वो छोटे बनेंगे छोटे नोट्स का ये फ़ायदा है कि वो आप इनडायरेक्टली अब आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का तो टाइम है नहीं तो आप जो नोट्स बना दोगे वो असली में आपका शॉर्ट नोट बन और तो आप उसी को फाइनली रिवाइज कर पाओगे बार बार ठीक है तो यही इसका फ़ायदा है नोट्स कॉपी और क्वेश्चन कॉपी को अलग बनाने का ये समझ में आ गया उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वो है रिएक्शन कॉपी और ये रिएक्शन कॉपी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हुए कि रिएक्शन कॉपी आपको क्यों बनानी है और कैसे बनानी है ठीक है इन शॉर्ट में बताता हूँ इसमें आपको सारे रिएक्शन लिखना है एन के मतलब जो सर ने टॉपिक पढ़ाया एन खोली उस एन में जहाँ जहाँ रिएक्शन दिख रहे हैं आपको ताकि उसको एन इसमें रिएक्शन कॉपी में लिख दिया एक्सरसाइज खोला वहाँ पे कोई क्वेश्चन मिला उस सेक्शन को भी जाके एन इसमें रिएक्शन कॉपी में लिख दिया मतलब आपकी एक कॉपी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सारे रिएक्शन आपको लिखे होनी चाहिए और रिएक्शंस पूरी लिखनी नहीं है आपको बस रिएक्टेंट लिखना है जैसा कि मैंने दिखाया अपने कोरा वाले आंसर में भी बताया हुआ है सिर्फ आपको रिएक्टेंट लिखना है रिएजेंट लिखना है प्रोडक्ट साइड को छोड़ देना है ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओ ठीक है इन शॉर्ट मैंने बता दिया बाकी एक डिटेल वीडियो मैं इसे बना दूंगा एक बार आपने नोट्स बना लिए उसके बाद आपको क्या करना है अब एनसीईआरटी रीड करना है अब एनसीईआरटी रीड करके क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है जैसा कि अभी आप देख रहे हो एसोसिएशन रीज़न और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं ऑर्गेनिक में और बहुत अच्छा पेपर बन रहा है केमिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो काफी कंसेप्चुअल पेपर बनाया जा रहा है अब तो एन सी आर टी का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्या होगा कि सत्य लेक्चर से तो सारे कंसेप्ट कवर हो चुके होंगे लेकिन एन सी आर टी एसोशन रीज़न और वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो कि एन सी आर टी के लाइन से आते हैं वो कवर नहीं हुए होंगे तो आपको आपने एक बार जब नोट्स बना लिया तो नोट्स रीड किया उसके बाद आपको साइमल्टेनियसली एन सी आर टी के उन टॉपिक्स को भी पढ़ते जाना है आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो, है जो कि नोट्स में नहीं है और एनसीईआरटी में प्रेजेंट है जो ऐसे पॉइंट्स बोले जो कि नोट्स में नहीं थे एनसीईआरटी में है उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना हैं तो ऐसे क्या होगा आपकी पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट नहीं होगी पहली चीज़ जो कि सबसे हो जाती है पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट हो जाती है आपके कुछ ही पॉइंट्स हाईलाइट होंगे और वही पॉइंट जो है आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करने होंगे बाकी तो आपको नोट्स से रिवाइज करना है ठीक है अच्छा ऐसे आपके एसोसिएटर स्टेटमेंट कवर हुआ है दूसरी चीज़ है ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके नोट्स में है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है ये एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स हो गए इसको आपको अपने नोट से काट देना है ठीक है मतलब वो सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है कुछ वो आपके नहीं आने वाले तो ये आपको करना है बाकी मैं भी ट्राई करूँगा अगर मेरे को नोट्स मिल जाता है अपना वाला तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप उससे रेफरेंस ले सको कि कैसे करना है क्या तो एक बार आप ये सब कर लेते हो तो आपका कंटेंट याद हो जाएगा जो कि आपको रिवाइज करना है बार बार ठीक है अब रिवाइज तो कर लिया अब आप, आपको क्वेश्चन लगाने तो सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट जो सोर्स होगा वो आपके लिए पी होगा इसमें भी इनऑर्गेनिक कर लो बायो कर लो ऑर्गेनिक कर लो सब में बेस्ट सोर्स आपके पीवाई हैं उसको भी दो से तीन बार कर लेना इससे ज़्यादा बार कर लोगे तो अच्छा रहेगा इसमें जो आउट ऑफ एन वाले मिलेंगे उसको छोड़ देना ठीक है एन वाले आपको पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं बार बार ठीक है एक बार पी वाई क्यू सॉल्व कर लिए टेस्ट देना स्टार्ट करना टेस्ट में जो गलती होंगी उसको अपने नोट्स या फिर एन में ऐड कर लेना और इसको बार बार आपको रिवाइज़ करते रहना है अब इतने सारे नोट्स को कैसे रिवाइज़ करना है जल्दी जल जल जल्दी कैसे इफेक्टिवली रिवाइज़ करना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्द ही बना दूंगा ठीक है अब चलते हैं हम लोग लास्ट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री पे अब फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह ही एक न्यूमेरिकल बेस्ड आपका टॉपिक है या मैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले इसमें कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो कहाँ से आएगी वो आपकी डिटेल लेक्चर देख के आएगी आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी तक आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन में छोटे वीडियोज सजेस्ट किए हैं वन शॉर्ट्स या फिर कुछ भी लेकिन मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में छोटे वीडियो सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में देखना होगा तभी आप कम चैप्टर्स जो आप करके जा रहे हो उसको एक्यूरेटली वहाँ सॉल्व करके आप ठीक है तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि डिटेल लेक्चर आपको करने हैं जो भी टीचर आपको शूट कर रहे हैं या जिनसे आप करते आ रहे हो उनसे बाकी एक ऑप्शन जो है जो कि मैंने यहाँ लिखा सर्वेश सर जो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाते हैं इसलिए मैंने उनका यहाँ नाम दिया क्योंकि बाकी मैंने तो अलग सर से किया था लेकिन उनको मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उनके लेक्चर्स देख के समझने में कंसेप्ट बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन न्यूमेरिकल उसमें कम है जो कि कम टाइम में आपको कंसेप्ट सिखाने में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब आप सीखते हो लेकिन सर्विस सर ने काफी ज्यादा न्यूमेकल प्रैक्टिस करवा रखी है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा फिजिकल केमिस्ट्री में जिनके पास एकदम टाइम नहीं है वो कह रहे हैं कि भैया हमें ऑर्गेनिक भी चीजों से स्टार्ट करनी है या इनऑर्गेनिक चीज़ों स्टार्ट करनी है हमें कुछ नहीं आता है तो वो तब क्या करना तब लव सर की एक प्ले है फिजिकल केमिस्ट्री के उस क्लास में तब वो उसको देख सकते हैं अगर उनको एकदम ही टाइम नहीं है उनको बहुत कुछ करना है कम टाइम में तब वो ये कर सकते हैं लेकिन अगर वो इनमें से किसी में भी स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में तब फिजिकल को टाइम दो डिटेल लेक्चर देखो तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ठीक है एक बार आपने वो कर लिया आपको फिर मॉड्यूल्स लगाने हैं तो जाके मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कोई भी मॉड्यूल्स आपके पास है उससे करो कोई भी बुक है आपके पास उससे प्रैक्टिस करो ठीक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना उसमें उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना ही करना है पीवाईक्यूज़ को तीन से चार बार सॉल्व कर लेना है भले आप मॉड्यूल्स ना कर पाओ लेकिन पीवाईक्यूज को तो करना ही करना है ठीक है तीन से चार बार आपको हर एक क्वेश्चन का कंसर्ट पता होना चाहिए कि कैसे होता है उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं ठीक है टेस्ट देने के बाद आपको जितनी भी आप वहाँ गलती कर रहे हो उसको एक मिस्टेक कॉपी में लिखते रहना है फॉर्मला गलत हुआ कंसेप्ट गलत हुआ सब कुछ लिखते गए और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है क्या कि रिवाइज़ करोगे फॉर्मूलाज रिवाइज़ करोगे बार बार कंसेप्ट तो नहीं बोलते हैं लोग फॉर्मलाज़ बोलते हैं फॉर्मूलाज रिवाइज़ करेंगे जो मिस्टेक की थी उसको रिवाइज करेंगे और बार बार टेस्ट देते रहना है फिजिकल और फिजिक्स को इंप्रूव करने का सबसे सही तरीका है एक बार आपने कंसेप्ट बना लिया आपको टेस्ट देते रहना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को सीख पा हाँ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच से याद आया कि मेरे को एक अप्रोच की वीडियो बनानी काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ टाइम नहीं मिल रहा है मैं बहुत जल्दी बनाऊँगा अप्रोच के ऊपर वीडियो जिस पर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं चाहे वो कितना ही लंबा क्वेश्चन हो ठीक है इस पर एक वीडियो बना दूँगा मैं जल्दी तो यही था होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको समझ में आए होगी आपको मिनिमम टाइम में क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप वन मार्क्स तक पहुँच सको केमिस्ट्री में तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं थैंक यू जैसा कि मैं बोलता हूँ लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई है शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी कैम्प में फंसे हुए हैं कि क्या क्या करना है अभी के, इतने कम टाइम में कैसे होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप तो आगे भी देख पाओ चलो तो बाय बाय